अस्सलाम वालेकुम प्रणव भ्रावो, मैं सुना मेज़बान सजाद अख्तर। तो तुम इस वक्त की रहे हो अपना फैमिली यूट्यूब चैनल पनियाम विलाग। उम्मीद करना या अल्लाह ताला ने फजल करना सब ठीक ठाक उसो दुआगो और रब्बुल आलमीन है कि तुसा की सबा की अपनी ज़मान में रखन तो सेहत आफियत रखन। मैं आज अपने ही इलाके पनियाम ने अंदर मौजूद हाँ तो अपने कब्रस्तान एरिए तो अभी कोशिश की है कि अपने तमाम भैन भरावान की जितने भी बाले मुल्क रहने लगे हुए उन्हें की अपने प्यारे ने कबर ने ज्यारत करें जान करी कि कोशिश की है कि एक अच्छा व्यू किन्ने नहीं तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि पसंद कर सो। तो सारे का रिक्वेस्ट है जितने भी नवे तकने वाले हो माड़े चैनल की सबसक्राइब कर वीडियो अच्छी लगे तो उसकी लाइक शेयर जरूर कर सपोर्ट की जरूरत है मेरी सपोर्ट कर इंशाल्लाह ताला मजीद और अच्छी अच्छी वीडियो इस तरह मैं अपने अपने आपने बनाएगा तुम तकासा सारे की इंशाल्लाह ताला। इस तो बाद मैं अपना स्कूल है अपने आपना उसनी वीडियो बनासा तो जनाब सब तकासा इंशाल्लाह तुसें की मेरी एक आवाज़ जरूर पसंद आई सी आरा जरूर दिया मिगी इस बारे कोई कमी बेशी हो तो जरूर दसने रहा ना नाल ताकि बंदा मजीद उसकी अपनी काम की बेहतर करी सके। तो इंशाल्लाह ताला तो तुसा बहुत जल्द नया विलाग तक सो तो आओ फिर चलने तुसा की दसने अपने ड्रोन नाल कबरां ना असा व्यू किंदा आया तो पूरे सब इलाके ना पूरा व्यू किंदा एक तो वह भी इंशाल्लाह ताला तुसा की उम्मीद है पसंद आई तो आओ फिर चलिए असा अपनी वीडियो तरफ। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम आखरी आखरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम आखरी आखरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, कहना सब जीते जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्मा ढलने को है दम निकलने को है, अब है किस्सा तमाम आखरी आखरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, मुझको नहला के पहना दिए हैं कफन, रो चुके मिल के माँ बाप भाई बहन, मुझको नहला के पहना दिए हैं कफन, रो चुके मिल के माँ बाप भाई बहन, मौत भी दोस्तों आज हैरत में है, अब है किस्सा तमाम आखरी
हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। खुशबुओं में कफन को बसाने लगे मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे। खुशबुओं में कफन को बसाने लगे मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे। दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा, हो चुका इंतजाम आखरी। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। मुझको ज़ेरे ज़मीन लोग दफना गए, किस कदर संग दिल हो के फरमा गए। मुझको ज़ेरे ज़मीन लोग दफना गए, किस कदर संग दिल हो के फरमा गए। दोस्तों चैन की नींद सोते रहो, बस यही है मकाम आखरी आखरी। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। कैसी दुनिया है मुर्शिद गजब रे गजब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब। कैसी दुनिया है मुर्शिद गजब रे गजब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब। जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो पढ़ लेना ये कलाम आखरी आखरी। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। दुनिया के मुसाफिर, दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। दुनिया के मुसाफिर, जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों
जब तुझको आवाज देगी मौत, जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी बदलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के साँचे में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी अल्लाह बाकी मिन कुल फानी, अल्लाह बाकी मिन कुल फानी। इतना माजूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। कर ले ईमान से दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई। वक्त बाकी है आसी संभल जा, वक्त बाकी है आसी संभल जा, वरना दोज़ख में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी अल्लाह बाकी मिन कुल फानी, अल्लाह बाकी मिन कुल फानी। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत,
काम आएगी दौलत न ताकत छोड़ कर अपनी ऊंची। असने इस कब्रिस्तान विच जड़ी बूटियां तलफ करने वास्ते स्प्रे की गई है। उसने जनाब साढ़े नाल मौजूद ने असने इलाके ने एक नौजवान उभरती शख्सियत है मलक बिलाल ते अपना शायकुल्ला जाफरान जाफरान नाम से बोले यार कि सुन जाफरान 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 नाम ना इना ना ते तिने भाई ने इसने चौथे भाई सन यासर स कड़ाटिया ले चले गए उन्हें कोई कम पै गया सी ते जड़ी बूटी तलफ करने वास्ते ने स्प्रे की है। तो बाकी असां जनाब जी बिलाल साहब ने पुछसा कोई कब्रिस्तान दे मुतलक बारे कोई दसन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सजा साहब तुसां दा शुक्रिया तुसां बहुत अच्छा काम किया जिहड़ी पन्याम ने कब्रिस्तान की वीडियो बनाई है और इसने जो सारे बंदे बाहर नवर सीजन वो सारे अपनी कबरों की ज़ियारत करी की सन ते असां ये जड़ा काम किया कब्रिस्तान की सफाई सारी एक कोशिश है कि इस कब्रिस्तान की खूबसूरत तो खूबसूरत बनाया जाए और इंशाल्लाह असां अपनी सारी कोशिश कर सां ते बाकी अवाम इलाका सारे बंदे असां इस सिलसिले च असां ताउन करो ते बाकी ये साढ़े दोस्त हैं जफरान साहब शेखुल्ला साहब असां इन्हां दा शुक्रिया अदा करने हैं और बाकी सारे बंदियां गै एक रिक्वेस्ट कर सां इस सजाद साहब पंजाब में लाग ना बनाया चैनल यूट्यूब इसकी सब्सक्राइब करो और इन्हां दा ताउन करो ते सजाद साहब तुसां जिहड़ा काम कीता असां तुसां दा शुक्रिया अदा करने हैं। आई भतीजे तेरे साथी है जीते जी के अपने आंगन से उठना पड़ेगा अपने आंगन से उठना पड़ेगा अपनी चौखट से टलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। है बहुत ही बुरी चीज दुनिया क्यों समझता है दुनिया को अपना बाज आ जा गुनाहों से वरना बाज आ जा गुनाहों से वरना उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी अल्लाह बाकी मिन कुल फानी अल्लाह बाकी मिन कुल फानी। प्यार से सब को अपना बना ले जिस कदर हो सके तू दुआ ले मत लगा आग नफरत की नादा मत लगा आग नफरत की नादा वरना तुझको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। चाहता है सुरखुरुई चाहता है अगर नेक नामी ये अदा छोड़नी होगी तुझको ये अदा छोड़नी होगी तुझको इस चलन को बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी अल्लाह बाकी मिन कुल जी पण तो भरावो उम्मीद है कि तुसां कि मेरा अज ने ये वीडियो सी पसंद आई होसी।
इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए एपिसोड नाल मिलसा। मैं तुसां की गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल ना व्लॉग कर सा, उसने मिलसा स्कूल ने बच्चे ने असेंबली वगैरह उसदा कोई गलबात हो सी उसे सुना सा, बाकी वीडियो नज़ारे स्कूल पूरे नज़ारे से करा सा इंशाल्लाह। ते बाकी रहेगी अपने पंजाब नी आस्ता स्टेप बाय स्टेप अपने पंजाब ना सारा तुसां व्यू तक सा इंशाल्लाह। ते एक बार फिर तुसां रिक्वेस्ट करना कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कर आए, वीडियो की लाइक कर आए, अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर आए, तो दूसरा कमेंट जरूर करे, अपने मशवरे जरूर दे कि मेरे कोई वीकनेस जी है दूर हो जाए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नवे एपिसोड मिलसा, तो उतनी देर तक अल्लाह हाफिज़।